हेलो एवरीवन, ये देखिए गाइस, हमारे रस कदम कितनी प्यारी मैंगो से बनकर रेडी हुए हैं। मैंगो रस कदम आप देख सकते हैं, एक ही बिल्कुल कितना प्यारा लग रहा है। एक ऊपर हमने रख भी दिया है जिससे आप लोगों को सच में पता चले कि हम मैंगो से बना सकते हैं। तो हेलो एवरीवन, हम छाया मिश्रा आप सबका स्वागत करते हैं अपने चैनल छाया मिश्रा में। तो चलिए देखते हैं आज की हमारी रेसिपी कि आज हम आप लोगों के लिए क्या लाए हैं। तो चलते हैं किचन की तरफ। मैंगो छील कर कट कर लिया है, नॉर्मल साइज का बड़ा मैंगो था तो हो गया है। तो ये हमने दो मैंगो का पल्प ले लिया है। तो चलिए इसके हम बनाएंगे मैंगो रस कदम। तो बनाते हैं कि कैसे बनाना है। तो इसको हम ग्राइंड में ग्राइंड कर लेते हैं, फिर मिलते हैं। ये देखिए गाइस, एकदम से महीन बारीक हमने इसको ग्राइंड कर लिया है। तो चलिए दिखाते हैं आगे का प्रोसेस। गाइस, इसको तो हमने ग्राइंड कर लिया है, बस बिल्कुल पीस लिया अच्छे से। इसको साइड में रखेंगे और अपना काम करते हैं दूसरा। क्या करना है, ये हमने लिया आधी कटोरी दूध। आप कप से ले लें या कटोरी से, तो आधी कटोरी हमने दूध ले लिया है। ठीक है, इसको गर्म करेंगे फ्लेम ऑन करके। और ये देखिए आधी कटोरी दूध है, इसको गर्म कर लेंगे। फिर आराम से इसमें देखिए दूसरा इंग्रेडिएंट बनाएंगे। देखिए ये हम अपना स्टफिंग के लिए बना रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं। ये देखिए गाइस बॉयल होने लगा है। तो ये डेसिकेटेड नारियल है जो एक कटोरी है, तो इसमें आधा कटोरी हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो इसको हम पकाएंगे। तो आधा कटोरी, ये देखिए गाइस आधा कटोरी हमने कर लिया है ऐड। और स्पून से आपको दिखाते हैं, ये देखिए एक स्पून, दो, तीन, चार, चार स्पून चीनी इसमें हमने डाली है। और धीमी फ्लेम पर मेल्ट कर लेंगे जिससे कि अच्छे से ये मेल्ट हो जाए। ठीक है, धीमी धीमी स्पून पर मेल्ट करेंगे, इसकी स्टफिंग बना रहे हैं हम। ये देखिए गाइस, आप देख रहे होंगे 10 से 12 हमने इलायची ली हैं दाने, जिनको हम अपने इस खलर कुटना में डाल के कूट लेंगे। ये देखिए 10 से 12 इलायची है जिनको हम ऐसे डाल के अच्छे से कूट लेंगे। और उसके बाद में ये कटी हुई बादाम 5 से 6 इनको भी इसी में डाल के कूट लेंगे। तो हम कूटते फिर ये देखिए गाइस, अब इसमें बादाम भी डाल के कूट देंगे। ये देखिए आपको दिखा रहे हैं कूट गया ना, तो इसको डालेंगे क्योंकि स्टफिंग में जब हमारा ये दाने पड़ के आएंगे ना तो बहुत टेस्टी लगेगा। ये देखिए ये अपने स्टफिंग में ऐड कर देंगे। ये देखिए अब इसको हम इसी में पका लेंगे। देखिए ये दाने इलायची के दाने हैं, बादाम के दाने हैं जो स्टफिंग में पड़ेंगे ना, बहुत प्यारा लगेगा। ये देखिए गाइस इसको हम पका लेंगे। एक चीज और गाइस, इसमें चीनी इसमें डालना हो या अपने रस कदम के लड्डू जो बनाएंगे उसमें डालना हो, चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा जिस हिसाब से आपको मीठा पसंद है। ठीक है, इसमें हमने 4 स्पून डाला था और बाकी चीनी हम दूसरे में डालेंगे। तो देखिए इसकी कितनी टेस्टी एकदम से फिलिंग बन के तैयार होती है। इसको पकाते हैं फिर मिलते हैं। ये देखिए गाइस फिलिंग बनने लगी है। तो अब हम इसको, ये हमारा जो पैन है फिलिंग ने छोड़ दिया है। ठीक है, तो इसको अब हम दूसरी प्लेट में निकाल के रखेंगे जिससे कि हमारा ये अच्छे से ठंडा हो जाए। ये देखिए गाइस हमने फ्लेम ऑफ कर दिया, इसको 1 मिनट के लिए ऐसे ही चला लेंगे इसी कढ़ाई में डाल के। उसके बाद में हम प्लेट में कर लेंगे जिससे कि ये ठंडा हो जाए, तो हमारा फिलिंग भरने के लिए बैटर रेडी हो जाए। ये देखिए गाइस प्लेट में कर लिया है, तो इसको हम ठंडा करेंगे। ठंडा करने के लिए ऐसे ही रख देंगे थोड़ी देर के लिए फैला के, तो ये आराम से अपने आप ठंडा हो जाएगा। ठीक है, और अच्छे से चाहिए जैसे वैसे मिल जाएगा। तो चलिए इसको साइड में रखते हैं ठंडा होने के लिए। और अब हम करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। ये जो आम का पल्प है इसको हम इसमें डाल लेंगे अपनी पैन में। एक बात और गाइस, हमने पानी यानी बिल्कुल नहीं ऐड किया है, ऐसे ही इसको पीसा है। ये देखिए चीनी डाली और उसके बाद में हमने 5 से 6 स्पून चीनी ऐड करी है और हमने दूध की मलाई 2 स्पून। सॉरी गाइस, वो बीच में चीनी जब हम डाल रहे थे तो वीडियो नहीं शूट हो पाई है किसी कारणवश, उसके लिए सॉरी। हम फिर से बता दे रहे हैं, 6 स्पून हमने चीनी ऐड करी है और 2 स्पून हमने दूध की मलाई। ठीक है, देखिए गाइस आम का जो मीठापन है ना,
उस पर चीनी की मात्रा डिपेंड करेगी कि हमारी चीनी कितनी लगेगी। ठीक है, अब ये देखिए एक कटोरी चीनी डेसिकेटेड नारियल हमने ऐड कर दिया था और ये पौन कटोरी अभी ये है नारियल जो कि हम इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, अब इन सब चीजों को अच्छे से हम पका लेंगे अच्छे से। ये देखिए गाइस, देखिए हमने इसमें इतने सारे फ्लेवर ऐड किए ना कि ये रसकदम बहुत 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 ज्यादा अच्छे बनने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें नारियल वगैरह ऐड किया हुआ है जो कि पक्के बहुत ज्यादा स्वाद देगा, तो इस वजह से ये बहुत टेस्टी है। इसे पका लीजिए। ये देखिए गाइस, टोटल हमें 5 मिनट लगा है इसको पकाते हुए, 3 मिनट हाई फ्लेम और 2 मिनट हम स्लो फ्लेम पर पका रहे हैं। ठीक है, और ये देखिए हमारा लगभग बैटर पूरा घूमने लगा है। ठीक है, उसने पैन को छोड़ दिया है। ठीक है, और थोड़ा सा और हम इसे पकाएंगे जिससे कि ये हमारा लड्डू बनने योग्य हो जाए। ठीक है, आप ऐसे ही लड्डू बना लीजिए तो भी ये मैंगो और नारियल के लड्डू बोले जाएंगे, और इनको आप मैंगो और नारियल के लड्डू भी बोल सकते हैं, मैंगो रसकदम भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए तो इन्हें मन काम है। ये देखिए इनको थोड़ा सा और पकाएंगे 5 मिनट। देखिए गाइस, अगर आप बर्फी जमाना चाहते हैं तो आप इसी टाइम पर बर्फी भी जमा सकते हैं। बढ़िया, जिसमें बर्फी जमाए उसमें फ्रीज करें घी या ऑयल से जिससे भी, और उसको जमा दें। ठीक है, ये देखिए ये दिख रहा है हल्का सा पीलापन ज्यादा आ रहा है यहाँ पर, तो यही होता है हमारे इंडिकेशन कि हमारा बैटर हो चुका है। ये देखिए है, तो अब हम फ्लेम बंद कर देंगे और उसको थोड़ी देर ऐसे ही चलाते रहेंगे जिससे कि ये हमारा जले नहीं नीचे, क्योंकि कढ़ाई गर्म होती है ना, बर्तन गर्म होता है हमारा, तो इसी वजह से। ये देखिए फ्लेम बंद कर दी थी और इसको हम ऐसे हिलाते हुए आराम से इसको ठंडा करेंगे, क्योंकि ये हमारा बर्तन है वो गर्म रहता है। ये देखिए कितना गर्म है कि ये पीला पड़ जा रहा है, ये देखिए, इसी वजह से इसको हम चलाते रहेंगे। अगर चलाएंगे नहीं तो ये आपका नीचे जल जाएगा, तो इसको हम ऐड करते हैं ऐसे ही ठंडा कर लेते हैं। देखिए गाइस, जब तक हमारा मैंगो वाला वो बैटर ठंडा हो रहा है तब तक इसकी हम छोटी छोटी सी बॉल्स बना लेते हैं स्टफिंग भरने के लिए, इस तरह से। ठीक है, तो साइड में प्लेट में रखते जाएंगे। ये देखिए गाइस, हमारी फिलिंग बॉल्स बनकर रेडी है, कितनी यम्मी लग रही है, लग रहा है ऐसे ही खा जाएं, सच में बड़ी यम्मी लग रही है। और ये बैटर जो है अभी बिल्कुल ठंडा नहीं हुआ है, इसको आप आराम से बिल्कुल ठंडा कर लीजिए। देखिए कढ़ाई में था ना, अभी हमारी कढ़ाई बहुत गर्म है तो इसकी वजह से ये बैटर भी गर्म ही है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आराम से इस बैटर को ठंडा करिए और आराम से बना लीजिए। तो इसको ऐसे ही दो एक बार और हम चला देंगे या फिर पंखे के नीचे रख देंगे, बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। ये देखिए गाइस, इसको हमने ठंडा कर लिया, बट अभी बहुत ठंडा नहीं हुआ है, मगर हाँ इतना ठंडा है कि आप छू सकते हो इसको। ठीक है, तो उसके बनाते हैं लड्डू। ये देखिए गाइस, इस तरह से थोड़ा सा बैटर हमने लिया, बहुत अभी गर्म है, देखिए गाइस इस तरह से थोड़ा सा बैटर लिया, इसको हमने ऐसे करके फैला दिया इस तरह से, और उसके बाद में अपनी एक हमने फिलिंग वाली बॉल उठाई और उसको ऐसे करके बंद कर दिया। बस सिंपल, देखिए बन के रेडी है। अब थोड़ा सा इसे और हम अच्छा सा लुक देंगे, ये नारियल का डेसिकेटेड नारियल का बुरादा, इसको ऐसे करके इसमें रखेंगे। ये देखिए कितनी अच्छा हमारा रेडी है बन के, इसको हम साइड में प्लेट में रख लेंगे और इसी तरह से सारे बनाएंगे। ठीक है, ये देखिए इसको भी बनाया और ऐसे इसमें कोट कर दिया, बस कुछ नहीं करना है, ऐसे ऐसे करके घुमा देना है, बस कोट हो गया। ये देखिए इस तरह से हिलाने में कैसे रसगुल्ले जैसे कूद रहे हैं, ये कितना प्यारा बन के आया है। ये देखिए गाइस, सारा मैंने बना के रख लिया, कितना प्यारा लग रहा है लड्डू देखने में, इतना यम्मी, सच में मन कर रहा है ऐसे ही खा जाएं। और ये देखिए, ये थोड़े से हमने थोड़ा सा पार्ट दो लड्डुओं का बचा लिया है, जिसका अगर आपको व्हाइट नारियल आपके पास डेसिकेटेड नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे ही बना के भरिए, क्योंकि इसका ऐसे भी कलर बहुत प्यारा आ रहा है, एकदम येलोस, कितना प्यारा कलर आ रहा है। तो इस तरह से दूसरा भी बनाते हैं, तो ये येलो भी कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए गाइस, बनकर रेडी है। ये एक हमने इसलिए रख दिया आपको दिखाने के लिए कि ऐसे भी बनते हैं। और ये देखिए, इसको हम 2 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे ताकि ये सेट हो जाए। और कितना, ये देखिए
कितना प्यारा लग रहा है आप देख सकते हैं, बहुत टेस्टी और बहुत यम्मी। फ्रिज में 5 मिनट रखे हैं जिससे कि ये ठंडा हो जाए बिल्कुल, क्योंकि अभी गर्म है ना, ठंडा हो जाएगा एकदम, नारियल है एकदम सेट हो जाएगा। तो आज की हमारी ये रेसिपी आप लोगों को बताइएगा कि कैसी लगी। प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।